अरे इसको कोई सिखाओ बुल कैसे करता है। अरे बंद कर, नहीं खोल रहा। ये 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 मेरा हाथ क्या है? नाम भी लिखा है संकेत। तेरा क्यों मर्डर करने का है? क्या कर रहे हैं? अरे मैं आज की वीडियो के माहौल जमा रहा हूँ यार। अरे बता तो सही क्या करने वाले हैं? आज हम ना सारे कर्स्ड प्रोडक्ट जो बैन है वो अनबॉक्स करने वाले हैं। तुझे कहाँ से मिले ये सब प्रोडक्ट? ये सारे मुझे मिले www.horror.com से। ये इतने आसानी से नहीं ना मिलते। अरे वही तो, ये प्रोडक्ट इतने हॉरर है ना, इतने डेंजरस है, उनको देख के ना आंखें बाहर आ जाती है। आंखें बाहर आ जाती है? कैसे दिखाऊं? मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। ऐसे संकेत तूने ना पूरे वीडियो का मजा ही किरकिरा कर दिया। हमारा ये मजा और बढ़ा सकते हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और तब तक जल्दी सब्सक्राइब करो ना, हम जाके पहला प्रोडक्ट लेके आएंगे। हाँ चल चल संकेत। ये क्या है और ये बंद क्यों है? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारी शादी के फोटो से भी ज्यादा कर्स्ड है। उससे भी ज्यादा? ओह माय गॉड, बताओगे इसमें क्या है? भाई ओके, हमें बोला गया है कि इसके अंदर एक डॉल है जो ऑलमोस्ट 100 साल से वहीं लेट रखी है। 100 साल से? यस 100 साल से। और देखिए लॉक है, इसके ऊपर लिखा भी है डू नॉट ओपन। तो क्यों ओपन करना यार, इसको वैसे भेज दे। ये चाबी कहाँ होगी अभी हमारे पास? तोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे बंद कर, नहीं खोल रहा। एक काम करो ना, साइड से निकालना। अरे हाँ, लकड़ी भी तोड़ सकते ना। ओ इतनी पुरानी होगी क्या? ऐसे आराम से। ओ डॉल निकाल। एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके उसके बाजू में लेट जाता हूँ। पागल है क्या? हॉरर का डॉल है, सोना नहीं है, पुराना है। निकल निकल, रमेश भी तो सेम ही है ना, राक्षस। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कितने सालों से ये कपड़ा धोया नहीं है। शीशे की स्मेल आती ना, ओल्ड स्मेल। अब इस खोलो, अब इसको ये खराब है, ठीक है, पर इसके ऊपर खून कैसे आया? खून है क्या ये? मुझे लगा कलर है ये। इसका हाथ देख, हाथ देख, इसका हाथ कटा हुआ है यहाँ से, और वहाँ से ब्लड निकला हुआ है। गले में क्या है ये? गले में क्या है? कुछ तो लॉक। अरे ये वही ताबीज है जो बोल रहा था कि निकालना नहीं है उसके गले में से। एक काम करते ना यार, फिर ये निकाल के तो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मत कर। अरे उसने बोला था कि चुप बैठ यार, क्या डरते रहते तुम लोग? ये सब क्या होता है? कुछ नहीं होता ये सब चीजें। अरे ये लॉकेट तोड़ने के बाद ना उमेश, वो आत्मा तेरे अंदर चली जाएगी। कुछ नहीं होता। अरे ऐसे बोल, अरे उमेश बात नहीं कर। देख ये निकाल दिया, क्या होता है ये? देख अभी देखते ना क्या करती है ये डॉल। देखा ये बॉटल के अंदर क्या है? हाँ इन्होंने कभी देखा नहीं है ना, ये एक ऐसी चीज है जो इन दोनों के पास नहीं है, यानी कि ब्रेन। ब्रेन है? यस ये ब्रेन है। किसका? ये बोलते हैं ये एक वुल्फ का ब्रेन है। म्याऊ म्याऊ हां सॉरी सॉरी। अरे इसको कोई सिखाओ वुल्फ कैसे करता है। जाने दो, मुझे तो मायरा पे तरस आते, पता नहीं बेचारी बच्ची डफर बन जाएगी। पर ये साइज में कितना बड़ा लग रहा है। संकेत का दिमाग तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत छोटा है ना इतना सा। मेरे पास एटलीस्ट है, तुम्हारे पास वो भी नहीं। ये देखो आवाज देखो, देखा कितना फुल खाली है, फुल फुल खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। और एक्चुअली लड़कियों को इसके अंदर अगर ब्रेन रखा होता तो तू आर पार देख सकता, कुछ दिखता ही नहीं अंदर क्योंकि खाली। अरे बड़बड़ कितना जोक मार रहे हो यार, देखो जरा खोल के, तभी तो देखते जरा। मुझे तो अभी हेडेक हो रहा है। ना हेडेक हो रहा है,
देख संकेत, जब अपन को भूख लगी रहती, अपना पेट खाली रहता ना, तो अपना पेट दुखता है, इसलिए अक्षता का सर दुखे। मतलब खाली है, बार बार प्रूव किया है। ये 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 एक्चुअली ये ब्रेन छोटा इसलिए ना, क्योंकि ये नहीं खाता आलमंड्स, नहीं खाता बादाम, इसलिए दिमाग छोटा है। तो बादाम डाले, बादाम डालेगा, पता नहीं पर किसका होगा ये ब्रेन यार, तुम लोगों को लगता है? ये देखने के लिए कैसे रख सकता है ये? अरे ये तो वो उसी वेबसाइट पे था तो हमने मंगा है, पता नहीं वहां तो लिखा था कि कोई एनिमल का, वुल्फ का या किसका, नहीं नहीं कैसे हिल रहा है देख, कैसे हिल रहा है, स्मेल भी बहुत गंदा है, इसे निकाल दे। बाप रे शी, हमने आज तक लाइफ में कभी ब्रेन नहीं देखा था। नेक्स्ट बैंड प्रोडक्ट ये देखिए क्या है। ए उमेश, टॉयलेट क्या है ये? तुझे ना उल्लू बना, ये तो ना मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसके ये एक्चुअली एक बैंड टॉय है जिसका इजी है, जो हल्का प्रोडक्ट रहता है ना वो इंडिया में मिलता है, बट ये ब्लेड वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता इंडिया में, इसलिए ये बैन है। कितना डेंजर लग रहा है, लेकिन ऐसा कौन बनाता है टॉय? यस, इसमें क्या है, एक एक करके तू दबाते रहने का, ये नीचे जो दांत है कोई एक बटन पे, मतलब दांत पे ना वो नीचे आ जाएगा और तुम्हारी उंगली गायब। कुछ चीजें लाए हैं देखने के लिए कि ये कैसे, कितने जोर से ये काटता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये एक सॉसेज है जो हमारी फिंगर जैसे ही रहता है, तो हम पहले इसको आगे रख देते हैं एक एक करके। चलो अब इसके दांत दबाते हैं। बापरे, उमेश उंगली जाएगी तेरी। ओ ये देखो, और देखो काट दिया पूरा, अंदर घुस गया। अभी मुझे समझ में आ रहा है ये बैन क्यों है। बाप रे, उसके साथ तो ऐसे देख के उसको डर लग रहा है। चल आ जा उमेश, थोड़ी अभी किसकी बारी, तेरी उंगली की? ए मेरी उंगली को डाल रहे उसमें, उंगली डाल के क्या होगा, उसकी जबान डालो, बहुत चलती है। अरे अरे क्या तू लोग दोस्त हो यार, अरे क्या कर रहे हो? क्या प्रोडक्ट ला रहे हो यार? संकेत लाने वाला है कुछ, तो तू बोला था। मैं दिखाता हूँ। ओके ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये क्या लेके आया तू? अरे दिख नहीं रहा है, चाकू है। अरे ब्लड क्या लगा हुआ है ये? क्योंकि ये ना एक सीरियल किलर का चाकू है। ये जो खून है ना, ये उसके लास्ट विक्टिम का खून है। अरे तो ये यहाँ क्यों लेके आया तू, पागल वागल है क्या? अरे उसने ना अभी तक टोटल 56 मर्डर किए थे, 56 लोगों को मारा था। ये तुझे कहाँ से मिला? वो मत पूछना कहाँ से मिला है। वो 56 मर्डर कर चुका था, लेकिन उसको 57वां एक मर्डर करना बाकी था। मतलब 57 मर्डर करना था, किसका करना था? इसके नाम भी लिखा है संकेत। संकेत, तेरा क्यों मर्डर करने का है? अरे ये चाकू मेरा है। मतलब तू सीरियल किलर है? अरे पागल हो क्या? ये तो मैं घर पे सीरियल देखते देखते सब्जी काटती हूँ, और ये ब्लड नहीं है पागल, ये तो बीट रूट का जूस है, कल बीट काट रही थी उसका लगा हुआ है। संकेत कुछ नहीं मिला, तू ये उठा के लेके आया? सुबह से मैं ढूंढ रही थी कि ये चाकू कहाँ गया। सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे लाए, मैं सोचा मैं भी कुछ तो लाता हूँ। अरे तो कुछ अच्छा लेके आता ना भूत का, ये सब क्या लेके आया ये? मॉडल नहीं है वो, मम्मी है, मम्मी। वो बेचारा क्या हुआ पता है, 150 किलोमीटर से चल के आ रहा था, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, इसने पट्टी बांध रखी है उसको। ये मम्मी ऐसा एकदम वेल मेंटेन, ये पता नहीं। अरे बिन्नी को बोला था कौन सा, पता नहीं कौन सी मम्मी। अरे यार बिन्नी तो हमेशा गड़बड़ करते है, पता है ना तुझे? वैसे तुमको बताने के लिए उसने वहाँ बताया बिन्नी ने कि किंग गजीबो अजीबो का ये है। गजीबो अजीबो, ये नाम क्या होता है? मुझे क्या पता, बिन्नी ने बोला यार गजीबो अजीबो ये ऐसा करके। 150 साल पुराना है। मुझे तो ना ये शाहरुख खान लग रहा है, वो पठान मूवी वाला। पठान नहीं, जवान, जवान में पहना था उसने, पठान में नहीं पहना था। ए ए ये ऐसा तो नहीं ना कि कोई रियल इंसान को यहाँ पे लेटा के रखा है पट्टी बांध के, बिन्नी का कोई भरोसा नहीं है। अरे कुछ भी बोलती है, अरे मम्मी मम्मी कुछ नहीं, ये ना मेरे को क्या लगता है, वो नहीं क्या वो बाहर पुतले रहते हैं, मैनिक्विन। रियल हुआ तो एक सेकंड देखते हैं। नहीं ये देख, क्या है ये?
अरे नहीं है यार। अरे तू अगर इस मम्मी का ऐसे इंसल्ट करेगा ना, एक दिन तू खुद मम्मी बन जाएगा। हाँ मैं ऑलरेडी पप्पा बन चुका हूँ, मुझे मम्मी नहीं बनना। मैं कैसे मम्मी बनूंगा? बराबर बोलो उसने, मम्मी तुम लोग बन सकती हो दोनों। एक्चुअली मुझे सच में लगता है तेरे इतने फालतू जोक के लिए ना तुझे यहाँ पे गाड़ दो। आजा आजा आजा, इसके माजे में ना तू ही बैठ जा। आजा आजा आजा, अरे इसका ढक्कन लाओ, चलो इसके ऊपर कवर डालते हैं। इसको और एक काम करते हैं, उस वेबसाइट पे ना इसको भेज देते हैं, है ना। चलो बैठो, चलो आजा। ऐसे कोई लेगा तो नहीं फिर भी। ये कैसे आ गई यहाँ पर? इनको क्या मालूम होता है यहाँ तेरा? अरे कैसे आ गई वो? ये